क्या डील फाइनल हुई है तुम्हारी मेरी मां के साथ? क्या धमकी देकर आई हो तुम मेरी मां को कि जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा दोबारा से मेरी शादी नहीं होगी? हाँ, ऐसा ही कहा है मैंने। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बताता हूँ तुम्हें क्या करूंगा। मेरी माँ को बीच में लेकर आई हो ना, तुम्हारी माँ को भी मैदान में आना पड़ेगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकता? जब तुम मेरी माँ को ब्लैकमेल कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे तलाक का कोई और बहाना नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने ये। तलाक चाहिए ना तुम्हें? तलाक चाहिए तुम्हें? तुम्हें तलाक चाहिए ना? तो चलो अभी के अभी तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ और वहीं छोड़कर आता हूँ। नहीं आलियान, चलना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ ताकि तुम्हें पता चले कि तलाक कैसे होती है, वो भी तुम्हारी माँ के सामने। चलो। नहीं आलियान। ओ मेरे खुदाया, वकीली साहिबा, वकीली साहिबा, माफी चाहती हूँ, मैंने तो आपको नींद से जगा दिया। वो दरअसल ना बाहर बारिश आने का अमकान है, बहुत तेज आंधी चल रही है, बल्कि यूं समझ लें कि तूफान आने वाला है। आ गया है तूफान बुआ। एक बेटी मर गई अपनी माँ के लिए, दूसरी तकाजा कर रही है अपने हिस्से का, तीसरी जो खुश थी अपनी जिंदगी में आज अपने मियाँ का दुख बर्दाश्त कर रही है, और जो मेरी औलाद ही नहीं है वो मेरे एहसानों का बदला चुकाने के लिए खुद कुर्बान हो। ऐसा कुछ नहीं है, माशाल्लाह से वानी है बेटा अपने घर में बहुत खुश है, दानिश मियां ने उन्हें बहुत खुश रखा हुआ है बेगम साहिबा। नहीं बुआ, वो खुश नहीं है, मैंने उसकी आंखों में देखी है वीरान, वो उसे सिर्फ इसलिए छुपा के बैठी हुई है कि कहीं मुझे अपने किए फैसले पछतावा ना हो, और ये सब कुछ सिर्फ उस मानूर की वजह से हुआ है जिसने हम सबको जीते जी मार दिया है। लेकिन मैं माँ हूं ना बुआ, मैंने आज तक उसे बद्दुआ नहीं दी, अपने मां होने का मैंने हक अदा किया है। एक मां होने की बहुत भयानक सजा दी है मुझे मानूर, मुझे समझ नहीं आता है बुआ, मैं अपना बिखरा हुआ घर कैसे समेटूं, कैसे कैसे सब कुछ पहले जैसा कर दूं। ना परेशान हो, खुद भी हो रही है और मुझे भी रुलाएंगे। हौसला करें, अल्लाह सब ठीक करेंगे और आपकी कुर्बानियों का आपको अजर जरूर मिलेगा। अब हौसला नहीं है मुझ में, अब मुझ में हौसला नहीं है बुआ।